साथियों, आज का ये आयोजन मेरे और एक घनिष्ठ मित्र अरुण जेटली जी को समर्पित है। बीतों दिनों को याद करते हैं तो उनकी बहुत सारी बातें, उनसे जुड़े बहुत से वाक्य स्वाभाविक रूप से याद आते हैं। और यहां बहुत सारे उनके पुराने साथी मैं देख रहा हूं, उनकी ऑरेटरी, हम सब उसके कायल थे। और उनके वन लाइनर लंबे अरसे तक हवा में गूंजते रहते थे। उनका व्यक्तित्व विविधता से भरा था और उनका स्वभाव सर्व मित्र वाला था। यहां जितने भी लोग दिखते हैं, हर एक की अलग अलग दुनिया है, लेकिन सब अरुण के मित्र थे। ये अरुण के सर्व मित्र की विशेषता थी। और उनके व्यक्तित्व की इस खूबी को सभी आज भी याद करते हैं और हर कोई अरुण की कमी महसूस करता है। मैं अरुण जेटली जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, अरुण जी की स्मृति में इस लेक्चर का जो विषय रखा गया है, ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी थ्रू ग्रोथ, वो सरकार की डेवलपमेंट पॉलिसी का मूल मंत्र है। मैं थर्मन जी का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। और मैंने कई बार उनको सुना भी है, उनको मैं पढ़ता भी रहता हूं। उनकी बातों में, उनके अध्ययन में, वो सिर्फ भारत में ही बोलते हैं तब नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी जब जाते हैं तो काफी रिसर्च करते हैं। लोकल टच उनकी हर एकेडमिक थिंकिंग में, उनकी फिलॉसफी में बहुत सटीक तरीके से वो उसको नीट करते हैं। आज भी हम सब ने अनुभव किया, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने वैश्विक परिस्थिति से लेकर के हमारे देश के बच्चों तक हमें ले आए। मैं उनका बहुत आभारी हूं, उन्होंने समय निकाला। साथियों, जिस विषय पे यहां चर्चा हो रही है, जिस विषय को लेकर के आज अरुण जेटली व्याख्यान माला का हमारा प्रारंभ हुआ है, अगर मैं इसी को सरल भाषा में कहूं तो एक प्रकार से ये थीम, मेरी सीधी सादी भाषा में मैं कहूंगा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन इसके साथ ही इस लेक्चर की थीम आज के पॉलिसी मेकर्स के सामने आ रही चुनौतियां और दुविधाओं को भी कैप्चर करती है। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या बिना इंक्लूजन के सही ग्रोथ संभव है? अब अपने आप को पूछिए, क्या बिना ग्रोथ के इंक्लूजन के बारे में सोचा भी जा सकता है क्या? हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर मुझे 20 साल से भी अधिक समय से काम करने का अवसर मिला है और मेरे अनुभवों का सार यही है कि बिना इंक्लूजन के रियल ग्रोथ संभव ही नहीं है और बिना ग्रोथ के इंक्लूजन का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सकता। और इसलिए हमने ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी का रास्ता अपनाया, सबके समावेश का प्रयास किया। बीते 8 वर्षों में भारत ने इंक्लूजन के लिए जिस स्पीड के साथ काम किया है, जिस स्केल पर काम किया है, वैसा उदाहरण आपको पूरी दुनिया में कभी भी नहीं मिलेगा। बीते 8 साल में भारत ने 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है।
9 करोड़। ये संख्या साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इसकी सारी आबादी को भी जोड़ दें तो उससे भी ज्यादा होती है। यानी आप स्केल देखिए, बीते 8 साल में भारत ने 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाकर गरीबों को दिए हैं। थर्मन जी ने इसका बड़ा पैशन होकर के उल्लेख किया। ये संख्या साउथ कोरिया की कुल आबादी के 2 गुने से भी ज्यादा है। बीते 8 साल में भारत ने 45 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खोले हैं। ये संख्या भी जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, मैक्सिको, इनकी टोटल पॉपुलेशन से भी करीब करीब उसके बराबर है। बीते 8 साल में भारत ने गरीबों को 3 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। और मुझे याद है, एक बार आप ही के मंत्रिपरिषद के साथ ही ईश्वरन से मेरी बात हो रही थी, सिंगापुर के मिनिस्टर, जब मैं उनको ये स्केल बताता था हाउसिंग का, तो ईश्वरन ने मुझे कहा, तो आपको तो हर महीने एक नया सिंगापुर बनाना पड़ेगा। मैं आपको ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी थ्रू ग्रोथ का एक और उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में कुछ साल पहले हमने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी, जिसका उल्लेख थर्मन जी ने किया और आने वाले प्रमुख सेक्टर में उन्होंने हेल्थ सेक्टर की चर्चा भी की है। इस योजना की वजह से 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को अच्छे से अच्छे अस्पताल में और हिंदुस्तान में कहीं भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। बीते 4 साल में आयुष्मान भारत की वजह से देश के 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। हमने इस योजना में इंक्लूजन पर फोकस किया। गरीब से गरीब जो है, आखिर की पंक्ति में बैठा हुआ है, उसको भी आरोग्य के संबंध में आवश्यक अच्छी सुविधा मिले। और समय के साथ हमने देखा है, वो पहलू तो इंक्लूजन का है, लेकिन समय ने यह बताया है कि इससे ग्रोथ का रास्ता भी बनता चला गया। जो पहले एक्सक्लूडेड थे, वो विकास की मुख्य धारा से जुड़े, तो डिमांड भी बढ़ी और ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी का भी विस्तार हुआ। जब भारत की 1/3 आबादी जो पहले बेहतर हेल्थ केयर की सुविधाओं से दूर थी, उसे इलाज की सुविधा मिली, तो इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि हेल्थ केयर कैपेसिटी को उसी हिसाब से खुद को मजबूत करना पड़ा। मैं आपको बताता हूं कि आयुष्मान भारत योजना ने कैसे पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। 2014 से पहले हमारे देश का औसत था, एवरेज 10 साल में करीब 50 मेडिकल कॉलेज बना करते थे। 10 साल में 50 मेडिकल कॉलेज इतने बड़े देश में, जबकि भारत में पिछले 7-8 साल में पहले के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा, यानी करीब करीब 209 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कहां 50 और कहां 209, और आने वाले अभी 10 साल का जब हिसाब लगाऊंगा तो ये मामला और आगे बढ़ने वाला है, वो 400 तक पहुंचने वाला है। बीते 7-8 साल में भारत में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में 75% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में अब एनुअल टोटल मेडिकल सीट्स की संख्या बढ़कर लगभग 2 गुना हो चुकी है।
यानी अब देश को कहीं ज्यादा डॉक्टर मिल रहे हैं, देश में तेजी से आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है। इंक्लूसिवनेस के लिए लाई गई एक योजना का जमीन पर ग्रोथ की दृष्टि से भी इतना बड़ा प्रभाव हम बिल्कुल देख सकते हैं, हम उसको आंक सकते हैं। और मैं तो आपको ऐसी दर्जनों योजना गिना सकता हूं। भारत के डिजिटल इंडिया अभियान ने, जिसका उल्लेख भी थर्मन जी ने किया, लगभग 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स ने गांव में रहने वाले गरीब तक भी इंटरनेट की ताकत को पहुंचाया है। भारत के भीम यूपीआई ने करोड़ों गरीबों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा से जोड़ा है। भारत की स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी वाले साथियों को बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने का अवसर दिया है, जो हमारे यहां नगर पालिका में, महानगर पालिका में जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, जिनके साथ हमारा रोज का नाता होता है। बैंक मैनेजर होगा, उसके घर में रोज रेहड़ी पटरी वाला माल देता होगा, लेकिन उसको बैंक में जगह नहीं होगी, ये हाल था। आज हमने इसको जोड़ दिया है। उसी प्रकार से भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है, दुनिया उस पर काफी कुछ इन दिनों जो अर्थशास्त्री लोग हैं वो लिख भी रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां उसका रेटिंग भी कर रहे हैं। भारत का एक इनिशिएटिव है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देश के 100 से ज्यादा जिलों में रहने वाले करोड़ों साथियों को अपलिफ्ट कर रहा है। और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कल्पना यह है कि हिंदुस्तान के और जिलों की तुलना में जो पीछे रह गए हैं उनकी आकांक्षाओं को हम एड्रेस करें, उनको उस राज्य की टॉप पोजीशन की बराबरी तक ले आए और फिर धीरे धीरे उसको नेशनल टॉप की बराबरी तक ले आए। साथियों, इसका इतना बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है और एक प्रकार से इन 100 डिस्ट्रिक्ट का इंक्लूजन हो रहा है डेवलपमेंट की दुनिया में। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, और शिक्षा पर भी थर्मन जी ने काफी बल दिया अपनी बातचीत में। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में, मदर टंग में पढ़ाई पर जोर दे रही है। जो अंग्रेजी नहीं जानता, जो एक्सक्लूडेड है, उसे अब मातृभाषा में पढ़कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भारत की उड़ान योजना, इसने देश के, हमने कई हवाई पट्टियों को जीवंत कर दिया, नए एयरपोर्ट बनाए, दूर दूर टियर 2 टियर 3 सिटी में भी हम चले गए और उड़ान योजना लाए, एक फिक्स अमाउंट में हवाई जहाज में सफर की एक रचना की। भारत की उड़ान योजना ने देश के अलग अलग कोनों को हवाई मार्ग से जोड़ा है, गरीब को भी हवाई जहाज में उड़ने का हौसला दिया है। और मैं कहता था हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज में बैठेगा, यानी इंक्लूजन भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। उसी का परिणाम है आज भारत के में एविएशन सेक्टर का ग्रोथ इतना हो रहा है, 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर बुक हुए हैं भारत के लिए। इस देश में 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट खरीदा, क्योंकि पैसेंजर वाला इंक्लूजन का जो हमारा अप्रोच रहा उसी का परिणाम है। अभी थर्मन जी ने जिसकी बात की, जो मैं गुजरात में, जिसको मैंने बहुत मुखरता से काम किया था, जल जीवन मिशन, देश के हर घर को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ रहा है, नल से जल। और उस सिर्फ वो पानी मिलता है नहीं, वो उसका समय बचाता है, कठिनाइयां बचाता है, हेल्दी कंडीशन के लिए वाटर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। उन सारे दृष्टि से ये मिशन बहुत बड़ा सामाजिक जीवन, और जिन्होंने बच्चों के न्यूट्रिशन का विषय किया उसका संबंध पानी से भी है। शुद्ध पानी, पीने का शुद्ध पानी, ये भी न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और हमारा नल से जल अभियान उस इश्यू को भी एड्रेस करने वाला का एक बड़ा महाअभियान का हिस्सा है। सिर्फ 3 साल में ही
इस मिशन ने 6 करोड़ से ज्यादा घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा है। भारत में मोटे तौर पर लगाया हिसाब तो 25-27 करोड़ घर है, उसमें से 6 करोड़ घरों को पानी पहुंचा दिया है जी। ये इंक्लूसिवनेस आज देश के सामान्य मानवीय का जीवन आसान कर रही है, उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही है। और किसी भी देश के विकास में इसका कितना महत्व है, ये आप अर्थ जगत के लोग जो यहां बैठे हैं वो भली भांति इस बात को जानते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं, आप भी जानते हैं और ये तो मैंने देखा है कि यूएन में भी इसकी चर्चा होती है, एसडीजी में भी उसकी डेवलपमेंट गोल के अंदर इन मुद्दों पर चर्चा होती है। और वो कह रहा है दुनिया में दशकों से अनेक देशों में प्रॉपर्टी राइट्स ये बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। और जब प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तब समाज के जो आखिरी लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होता है, सबसे ज्यादा मुसीबतें उनको झेलनी पड़ती है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत ने इस दिशा में जिस तेजी से काम किया है वो अभूतपूर्व है। और मैं मानता हूं दुनिया के एकेडमिशियन, दुनिया के इकोनॉमिस्ट इस विषय को अध्ययन करेंगे और दुनिया के सामने इस विषय को प्रस्तुत करेंगे कि स्वामित्व योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्र में घरों और इमारतों की मैपिंग का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। अभी तक भारत के 1.5 लाख गांवों में ये काम हम ड्रोन की मदद से करते हैं, ड्रोन से सर्वे होता है और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग होता है और पूरा गांव वहां मौजूद रहता है जब ये सारी प्रोसेस होती है तब। और 1.5 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन से ये सर्वे पूरा किया जा चुका है और 37,000 स्क्वायर किलोमीटर आप कल्पना करिए ड्रोन के माध्यम से 37,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन की मैपिंग का काम हो चुका है, मतलब उन घरों से जुड़ी हुई जमीन वाला। और 80 लाख से ज्यादा लोगों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं और ये भी जो मालिक है उसकी सहमति से होता है, उसके साथ विचार विमर्श होता है, उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ विचार विमर्श होता है, एक लंबी प्रक्रिया है। और इसका मतलब यह हुआ कि इससे गांव के लोगों को बैंक लोन मिलना आसान हुआ है, उनकी जमीन अब कानूनी विवादों से भी बच रही है। साथियों आज का भारत रिफॉर्म्स बाय कंपल्शन के बजाय रिफॉर्म्स बाय कन्विक्शन से आने वाले 25 साल का रोड मैप तैयार कर रहा है। देश आजादी के 100 साल मनाएंगे तब देश कहां होगा, इस लक्ष्य को लेकर के हम आज रोड मैप बना करके आगे बढ़ रहे हैं। दशकों पहले देश ने यह देखा था कि जब कोई रिफॉर्म मजबूरी में होता है तो इनके उसके इंस्टीट्यूशनलाइज होने की उम्मीद कम रहती है, जैसे ही मजबूरी खत्म होती है वैसे ही रिफॉर्म भी भुला दिया जाता है। रिफॉर्म जितने जरूरी होते हैं उतना ही जरूरी वो एनवायरमेंट होता है, मोटिवेशन होता है। पहले भारत में बड़े रिफॉर्म तभी हुए जब पहले की सरकारों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। हम रिफॉर्म्स को नेसेसरी इविल के रूप में नहीं बल्कि एक विन विन चॉइस के रूप में मानते हैं, जिसमें राष्ट्रहित भी है जनहित भी है। इसलिए बीते 8 सालों में हमने जो भी रिफॉर्म्स किए उन्होंने नए रिफॉर्म्स के लिए रास्ते तैयार किए हैं। अरुण जी आज यहां भी जहां भी होंगे वो संतुष्ट होंगे कि वो जिस मिशन में भागीदार रहे उसका लाभ आज देश को मिल रहा है। जीएसटी हो या आईबीसी, इनको लेकर सालों तक चर्चा हुई, आज इनकी सफलता हमारे सामने है। कंपनीज एक्ट को डीक्रिमिनलाइज करना हो,
कॉरपोरेट टैक्सेस को कॉम्पिटिटिव बनाना हो, स्पेस, कोल माइनिंग और एटॉमिक सेक्टर्स में को खोलना हो, ऐसे अनेक रिफॉर्म आज 21वीं सदी के भारत की सच्चाई है। साथियों, हमारी पॉलिसी मेकिंग पल्स ऑफ द पीपल पर आधारित है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनते हैं, उनकी आवश्यकता, उनकी आकांक्षाओं को समझते हैं। इसलिए हमने पॉलिसी को पॉपुलिस्ट इंपल्सिस के दबाव में नहीं आने दिया। पीपल्स पल्स के अनुसार फैसले लेना और पॉपुलिज्म के सामने हथियार डाल देने में क्या फर्क होता है, ये कोविड काल में हिंदुस्तान ने देखा है, और देखा है नहीं, दुनिया को दिखाया है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री क्या कह रहे थे पैंडेमिक के समय? जब पैंडेमिक आई तो पूरी दुनिया में बड़े बेल आउट पैकेज के लिए, डिमांड ड्रिवन रिकवरी के लिए पॉपुलिस्ट इंपल्स था, हम पर भी दबाव था और हमारी आलोचना होती थी, ये कुछ कर नहीं रहे, कुछ दे नहीं रहे, पता नहीं क्या कुछ हमारे लिए कहा गया। ये भी कहा गया कि लोग चाहते हैं, एक्सपर्ट ये चाहते हैं, बड़े बड़े विद्वान ये चाहते हैं, लेकिन भारत दबाव में नहीं आया, उसने एक अलग अप्रोच अपनाई और बहुत समझदारी के साथ शांत मन से अपनाई। हमने पीपल फर्स्ट अप्रोच के साथ गरीब को सुरक्षा दी, महिलाओं, किसानों, एमएसएमईज पर ध्यान दिया। हमने दुनिया से अलग इसलिए कर पाए क्योंकि हमें पीपल्स पल्स यानी जनता क्या चाहती है, उसकी क्या चिंता है, इसका एहसास है। इसलिए भारत की रिकवरी और बाकी दुनिया की रिकवरी में जो फर्क है वो हम साफ देख सकते हैं। साथियों, मैं अक्सर मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का आग्रह करता रहा हूं। हमारी सरकार ने ऐसे 1500 कानूनों को खत्म कर दिया है जो लोगों के जीवन में अनावश्यक रूप में दखल दे रहे थे। 1500 कानून, और मुझे याद है 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम कैंडिडेट बनाया था, 2014 में चुनाव होना था, तो यही दिल्ली में ही व्यापार जगत के लोगों ने मुझे कार्यक्रम के लिए बुलाया था और वो बड़ी थोड़ा गर्म मिजाज का वातावरण था, क्या करोगे, डिकना करोगे, फलाना करोगे, सब पूछ रहे थे, ये कानून बनाओगे, नहीं कानून बनाओगे, था बड़ा दबाव था। कैंडिडेट था चुनाव के दिनों में, हम भी तो जरा मैंने कहा देखिए आप कानून बनाना चाहते हैं लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूं, मैं हर दिन एक कानून खत्म करूंगा, नए बनाने की गारंटी नहीं देता हूं, खत्म करूंगा। और पहले 5 साल में 1500 कानून खत्म करने का काम पूरा कर दिया। साथियों, जो कानून जनता सामान्य पर बोझ बनते हैं, साथियों आपको जानकर के खुशी होगी, हमारी सरकार ने 30,000 से ज्यादा, यानी आंकड़ा भी आप चौंक जाएंगे जी, 30,000 से ज्यादा ऐसे कंप्लायंसेस को भी कम कर दिया है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और ईज ऑफ लिविंग में बाधा बने हुए थे। 30,000 कंप्लायंसेस खत्म कर देना यानी जनता जनार्दन पर कितना अभूतपूर्व विश्वास का युग आया है, उसका नतीजा होता है कि हम कंप्लायंसेस के बोझ से जनता को मुक्त कर रहे हैं। और मैंने लाल किले पर से कहा था कि मैं चाहता हूं सरकार लोगों की जिंदगी से जितनी बाहर चली जाए हमें निकालनी है, लोगों की जिंदगी में सरकार 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 का प्रभाव कम से कम हो, लेकिन जिसको सरकार की जरूरत है उसको सरकार का अभाव न हो, ये दोनों विषय को लेकर के चलने का हमने प्रयास किया है। आज मुझे आपको ये बताते हुए संतोष है कि मिनिमम गवर्नमेंट की अप्रोच मैक्सिमम आउटपुट्स और मैक्सिमम आउटकम्स भी दे रही है। हम बहुत तेजी के साथ अपनी कैपेसिटी का विस्तार कर रहे हैं और इसके नतीजे आपके सामने हैं। कोविड वैक्सीन का ही उदाहरण लें,
हमारे देश के प्राइवेट प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन उनके पीछे पार्टनर इन प्रोग्रेस के रूप में सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी रही थी। वायरस आइसोलेशन से लेकर स्पीडी ट्रायल तक, फंडिंग से लेकर रैपिड रोल आउट तक जो कंपनियां वैक्सीन का निर्माण कर रही थी उन्हें सरकार का भरपूर सहयोग मिला। एक और उदाहरण हमारे स्पेस इकोसिस्टम का है। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे विश्वसनीय और अत्याधुनिक स्पेस सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। इस क्षेत्र में भी हमारा प्राइवेट सेक्टर इकोसिस्टम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन उनके पीछे भी पार्टनर इन प्रोग्रेस के रूप में सरकार की पूरी शक्ति है जो उन्हें हर सुविधा और जानकारी उपलब्ध करने में मदद कर रही है। जब हम भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का उदाहरण लेते हैं तो हमारे यहां फिनटेक के साथ ही डिजिटल पेमेंट से जुड़े कई प्लेयर्स हैं, लेकिन यहां भी देखें तो इनके पीछे जेम ट्रिनिटी, रुपे, यूपीआई और सपोर्टिव पॉलिसीज का मजबूत आधार है। यहां मैंने केवल कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं, लेकिन मैं इन्हें दुनिया के लिए एक रिसर्च का विषय मानता हूं। एकेडमिक वर्ल्ड को गहराई में जाने के लिए निमंत्रण देता हूं, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट को मैं निमंत्रित करता हूं। आइए उसकी बारीकियों को देखिए। इस विशाल देश, अनेक विविध आवश्यकताएं, उन सब के बावजूद भी हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रकार से देखें तो अब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर या सरकारी वर्चस्व वाले एक्सट्रीम मॉडल्स की बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब समय है कि सरकार की प्राइवेट सेक्टर को पार्टनर इन प्रोग्रेस मानकर उन्हें प्रोत्साहित करें और हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, सबको साथ लेकर चलने, देश के पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स पर भरोसा करने की यही स्पिरिट है जिसके कारण आज भारत में ग्रोथ के लिए अद्भुत उत्साह दिख रहा है। आज हमारा एक्सपोर्ट नए रिकॉर्ड बना रहा है, सर्विस सेक्टर भी तेजी से ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। पीएलआई स्कीम का असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दिखने लगा है। मोबाइल फोन सहित पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई गुना वृद्धि हुई है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब मैं इस कोरोना कालखंड में टॉय को लेकर के मैंने समिट की थी, खिलौने, तो कई लोगों को लगा होगा ये पीएम को कभी झाड़ू की बात करता है, स्वच्छता की बात करता है, टॉयलेट की बात करता है, टॉय की बात कर रहा है। कईयों को, क्योंकि अब तक हम उन बड़ी बड़ी बातों में फंसे रहे हैं तो मेरी बातें उनके गले बैठती नहीं थी। सिर्फ खिलौनों के ऊपर मैंने ध्यान दिया, खिलौने बनाने वालों पर ध्यान केंद्रित किया, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, इनोवेशन पर ध्यान दिया, फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ ध्यान दिया। अभी तो 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, मेरे देशवासी गर्व करेंगे कि टॉयज का इंपोर्ट इतने कम समय में इतना घट गया, वरना हमारे यहां हर घर में खिलौना विदेशी हुआ करता था जी, वो इतना इंपोर्ट कम हुआ है। इतना ही नहीं, भारत के खिलौने, भारत के टॉय पहले जितना इंपोर्ट होता था उससे ज्यादा आज एक्सपोर्ट होने लग गए हैं। यानी कितना बड़ा पोटेंशियल अनटैप था। जैसे आपने कहा टूरिज्म, सचमुच मैं सहमत हूं आपसे, भारत के टूरिज्म की संभावना इतनी अपार है, लेकिन हम एक ही जगह पे अटक गए थे। हिंदुस्तान के पूर्ण रूप में विश्व के सामने ले जाने का हमारी मानसिकता ही वो खो चुकी थी। और मैं तो विदेश के मेहमान जो भी आते हैं तो हिंदुस्तान के किसी न किसी स्थान पर ले जाने का आग्रह रखता हूं, क्योंकि मेरे टूरिज्म को, इस बार हमने योगा का कार्यक्रम किया तो 75 आइकॉनिक स्थान पर किया ताकि लोगों को पता चले कि टूरिज्म के ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन है हमारे यहां। टूरिज्म की संभावनाएं आपने सही फरमाया,
पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है भारत। साथियों, हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है, यानी हमारे ग्रोथ इंजन से जुड़ा हर सेक्टर आज पूरी क्षमता से चल रहा है। साथियों, आजादी का यह अमृतकाल भारत के लिए अनगिनत नए अवसर लेकर आ रहा है। हमारा निश्चय पक्का है, हमारा इरादा अटल है, मुझे विश्वास है हम अपने संकल्पों को सिद्ध करेंगे, 21वीं सदी में उस ऊंचाई को प्राप्त करेंगे जिसका भारत हकदार है। और जैसा तरमन जी कुछ चैलेंजेस के लिए बता रहे थे, मैं मानता हूं चुनौतियां है, लेकिन अगर चुनौतियां है तो 130 करोड़ सॉल्यूशन भी है, ये मेरा विश्वास। और उन विश्वास को लेकर के, चुनौतियों को ही चुनौती देकर के आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं, और इसलिए हमें इंक्लूजन का रास्ता लिया है और उसी रास्ते से ग्रोथ को भी पाने का इरादा रखा है। एक बार फिर अरुण जी को याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थर्मन जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।